दोस्तों मैं फजल खान, आप देख रहे हैं एफके टेक्नीशियन चैनल। तो दोस्त आज मेरे पास एक 17 इंच का चाइना का टीवी आया है, देखिए चाइना कंपनी का है। तो इसका पल देखिए रेड है और रिप्टस भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए इसका रिप्टस का जो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो एक बार हम पिक्चर भी लगा के देख लेते हैं। देखिए जब पिक्चर लगा रहे इसका सिम्टम देखिए अलग दिखा रहा है, ठीक है। जो रिप्टेज वो भी चला गया और सिम्टम देखिए, देखिए इसका सिम्टम देख के पता चलता है इसका एबीएल का वोल्टेज का कोई फॉल्ट होगा या इसका एसटी खराब है, ठीक है। चलो पहले इसका हम खोल लेते हैं। जिस भी भाई मेरा चैनल बनाया है सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों मैं टीवी खोल लिया, बोर्ड को मैं बाहर निकालूंगा, निकाल के मैं एसटी का सेक्शन को देखूंगा क्योंकि सिम्टम एसटी का दिखा रहा है। पहले हम सब कनेक्शन खोल देते हैं, ठीक है। बोर्ड को उलट लेते हैं, देखिए इसका एसटी बहुत दिन पहले चेंज एक बार हुआ, ठीक ना। मेरा पास नहीं होगा, शायद किसी का पास, दूसरे टेक्नीशियन का पास जाके हुआ था एक बार एसटी चेंज, ठीक है। चलो तो इसका मैं एबीएल का वोल्टेज चेक करके देख लेता हूँ, लाइन देता हूँ और मीटर को। देखिए एबीएल का वोल्टेज 5 से 6 तक जाएगा, ठीक है। टीवी में मैं लाइन दे देता हूँ। चलो मैं टीवी में लाइन दे दिया, मैं मीटर का एक प्रॉप मैं ग्राउंड कर देता हूँ। और मैं एबीएल का वोल्टेज चेक करके देखूंगा, ठीक है। देखिए एबीएल का कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा है, माइनस में हो रहा है, तो 1 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है और माइनस, ठीक है। देखिए देखिए जो पॉइंट है एबीएल का है, देखिए एबीएल में कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। एक बार एसटी का इनपुट वोल्टेज भी चेक कर लेता हूँ। देखिए एसटी का इनपुट वोल्टेज सही है बट एबीएल का कोई वोल्टेज नहीं है। तो एक बार एबीएल का रेजिस्टेंस भी देख लेता हूँ बोर्ड को उलट के। देखिए एबीएल का रेजिस्टेंस जला हुआ है, गौर से देखिए, ठीक है। तो इसका मतलब एसटी खराब है, ठीक है, इसका एसटी खराब है। देखिए एक बार मैं एबीएल का जो लाइन है मैं उसे चेक करके देख लेता हूँ उसका कोई शॉर्टिंग है या नहीं, क्योंकि शॉर्टिंग रहेगा तो मुझे वोल्टेज नहीं मिलेगा क्योंकि रेजिस्टेंस भी जला हुआ है। चलो पहले मैं मीटर का कंट्रोलिंग रेंज पर रख के एबीएल का लाइन को मैं चेक कर लेता हूँ शॉर्टिंग है कि नहीं। टीवी को मैं बंद कर देता हूँ और मैं एबीएल का लाइन को कंट्रोलिंग चेक करके देखूंगा। कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है,
तो मैं एक बार इस चीज से मैं इस फोकस को थोड़ा कम ज्यादा करके देखूंगा कोई वोल्टेज का आउटपुट दिखा रहा कि नहीं, टीवी का लाइन दे दिया और एबीएल को ऊपर रखूंगा और मैं फोकस को थोड़ा घुमा कर देखूंगा, घुमा फिर जाके देखिए कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, मतलब मेरा एसटी खराब है। चलो अब मैं एसटी चेंज करूंगा, ठीक है, एसटी चेंज करके देखूंगा मेरा आउटपुट का एबीएल वोल्टेज दे रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों मैं एसटी खोल लिया और मैं इसमें नया एसटी लगाऊंगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस को भी चेंज करेंगे। चलो मैं रेजिस्टेंस को भी चेंज कर लेता हूँ। देखिए मैं एबीएल का रेजिस्टेंस लगा लिया, 1.6 के था, तो आपका पास हाफ वाट का रहेगा तो हाफ वाट का लगाएगा तो बढ़िया होगा, क्योंकि मेरा पास हाफ वाट का नहीं था इसलिए मैं क्वार्टर लगा दिया, ठीक है। चलो अब मैं इसका नया एसटी लगा के वोल्टेज चेक करके देखता हूँ। देखिए दोस्तों मैं नया एसटी लगा लिया, ठीक है, देखिए नया एसटी लगा लिया, अब मैं इसका वोल्टेज चेक करके देखूंगा। चलो अब मैं टीवी में लाइन देता हूँ और चलो मैं एबीएल का वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। देखिए एबीएल का वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, मेरा मीटर का फॉल्ट है, थोड़ा कम दिखा रहा है। देखिए एबीएल का वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, और मैं देखता हूँ स्क्रीन की तरफ। देखिए मेरा टीवी चालू हो गया, तो मैं एक बार पिक्चर भी लगा के देख लेता हूँ। देखिए दोस्तों मेरा पिक्चर आ गया, देखिए, और जो जंपिंग कर रहा है मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए कैमरा में दिखा रहा है, ठीक है, ऐसा में पूरा क्लियर पिक्चर है। देखिए जो जंपिंग हो रहा है वो कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए ऐसा दिखा रहा है, आपको जंपिंग दिखा रहा है, क्योंकि मेरा पूरा फ्रेश लग रहा है और